हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त है ना? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसा कि हमारे चैनल पे तकरीबन 44,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को हम गाइड करते हैं, लेकिन हमें जिस टीचर ने पढ़ा है उनसे हम पर्सनली मिलने आए हैं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। सर, कुछ कह दीजिए हमारे बच्चों के लिए कुछ बातें। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की सबसे पहले बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएँ। आज पंकज जी, जो कि जब हम पहले कोचिंग चला रहे थे तो हमसे पढ़े हुए थे, और आज हम पंकज जी को बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ने की शुभकामना भी देते हैं। और आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को हमारे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। और गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोग को हम कुछ कहना चाहेंगे। ये गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते क्यों हैं? हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था मेरे देश। जैसे एक चिड़िया जिस प्रकार से पिंजरे से निकलने के लिए छटपटाते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के लोग, भारतवासी, इस पिंजरे से निकलने के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए आतुर हो चुके थे। हमेशा से संघर्ष होते आया, लेकिन ये संघर्ष को हमारे युग पुरुष महात्मा गांधी ने स्वीकार किए और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल करके अथक परिश्रम के बावजूद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारा देश आज़ाद तो हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा अपना कोई संविधान नहीं था जिससे कि देश को चलाया जा सके। ऐसे में ही हमारे देश के एक युग पुरुष भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बना करके तैयार किए, और इसी दिन, आज के ही दिन, ये 26 जनवरी के दिन ये संविधान को लागू किया गया। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें कि निर्णय लिया गया कि हमारे देश को पूर्ण आज़ादी दी जाए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी आज के ही दिन 26 जनवरी को। इसी कारण से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा ये संविधान लागू किया गया इसी दिन। और अब हम जो है सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अब नए पेशे में जुड़ गए हैं, कुछ ग्रामीण डॉक्टर के जो होते हैं कार्य जो हम करते हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबर को यह बात पहुंचाए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा सर। तो